गुड इवनिंग क्लास 12। रिवियस टर्न में मैंने आपको बताया ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाए, है ना। स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। अब एक चीज और, ग्लूकोज की साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होती है वो पायरिन रिंग को रिसेंबल करती है। तो कई बार आपसे पूछेगा टू विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रिंग ऑफ ग्लूकोज रिसेंबल, मतलब कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ ग्लूकोज की रिंग रिसेंबल करती है। तो आपको बोलना है दैट स्ट्रक्चर रिसेंबल टू द पायरिन रिंग। ये पायरिन का फॉर्मूला है, कार्बन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 प्लेस पर ऑक्सीजन है। मतलब ग्लूकोज की रिंग में हेक्सागोनल रिंग है, 5 कार्बन प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 डबल बॉन्ड है और एक है आपका ऑक्सीजन। तो कई बार हम इस ग्लूकोज को बोलते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर। तो अगर पूछ रहे आपसे कैसे स्ट्रक्चर है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पायरिन रिंग के जैसा है, दैट्स व्हाई वी कॉल पायरिनोज। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिंग एक साइंटिस्ट है होवार्थ, और होवार्थ ने क्या दिया, होवार्थ ने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को प्रूव करा। अब कैसे दिया उसने, देखो ये मैंने लिया ग्लूकोज CHO, मैंने इस फॉर्म में लिखा है, कैसे करोगे एक बार फिर सुन लो। फर्स्ट नंबर के कार्बन को फिर सुन लो एक बार, फर्स्ट नंबर के कार्बन को फिफ्थ नंबर के कार्बन से अटैच करना है। कैसे अटैच करना है, यहां से डबल बॉन्ड हटाना है आपको, यहां से एच हटाना है और एच लगाना है यहां, मतलब जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका करना है रिडक्शन और जो एल्कोहलिक ग्रुप है उसका करना है ऑक्सीडेशन। सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं मैं ना। तो यहां से कितने बॉन्ड हुए, 1, 2, 3, तो यहां से बॉन्ड बनाना है ये, और इसको यहां जोड़ देना है। क्लियर, तो रिंग बन गई। अब रिंग में कितने कार्बन है आप देखिए, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 कार्बन और 6 प्लेस पर कौन है, ऑक्सीजन। तो आप कैसे बनाओगे, जो हुआ आपने स्ट्रक्चर दिया है। अब ये कौन सा ग्लूकोज है साइक्लिक में, ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा बीटा फॉर्म बताई थी मैंने, ये अल्फा वाला है क्योंकि राइट हैंड साइड पर OH है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर OH कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बीटा डी। अब देखिए इससे उभार ने क्या स्ट्रक्चर दिया, उसने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ये हेक्सागोनल रिंग को, ओहो हेक्सागोनल रिंग को, डायग्राम तो बहुत जल्दी बनाता हूं, हेक्सागोनल रिंग को अरेंज करा। क्लियर। दूसरी चीज अब देखो आप, यहां आपने इमेजिन करा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन अभी वन से स्टार्ट करा, ये नंबर 1, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5, सही बना दी हमने रिंग। अब फर्स्ट कार्बन पे आप देखो, फर्स्ट कार्बन पे क्या है आपका OH और H। अब पैटर्न देख लो, अगर OH ऊपर रखना है तो H को नीचे रखिए, जैसे मैंने कहा ये मैंने रखा OH और ये H, फर्स्ट कार्बन OH ऊपर H नीचे। अब यहां सीक्वेंस अपोजिट हो रहा है, सॉरी सेम ये सीक्वेंस, तो अगेन क्या होगा, OH ऊपर H नीचे, ये अब यहां अपोजिट हो रहा है सीक्वेंस, तो अब OH क्या होगा, OH आ जाएगा नीचे, H आ जाएगा ऊपर। फोर्थ में क्या हो रहा है, फिर सीक्वेंस अपोजिट हो रहा है, OH ऊपर H नीचे। फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में ओनली एच है और CH2OH है। देखिए ये रिंग कंप्लीट हो गई है, फिफ्थ पर कौन है, एच एंड CH2OH, तो वो आपके ऊपर है, ये एच लगाया मैंने यहां और यहां क्या कर दिया CH2OH। क्लियर है। तो ये है ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू होवार्थ। ये होवार्थ का स्ट्रक्चर है आइडिया, ये ध्यान रखना इसमें, है ना। तो बाकी तो नॉर्मल है, बाकी मुझे कोई खास ऐसा है नहीं। अब देखिए अब स्पेशल क्या है, फर्स्ट कार्बन जो है आपका उसके अकॉर्डिंग स्पेशल है ये, क्योंकि यही डिसाइड करेगा आपका कौन अल्फा है कौन बीटा है, सही। अगर आपको अल्फा डी में आपने OH को ऊपर शो करा, तो बीटा डी में क्या करना, OH को नीचे शो कर देना, OH नीचे एच ऊपर। तो फर्स्ट वाले का ध्यान रखना है, बिकॉज फर्स्ट कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है कि अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है। तो बहुत सिंपल है, ओपन से बनेगा साइक्लिक और साइक्लिक से बन जाएगा आपका होवार्थ। और बहुत ये ट्रिक से बनेगा, ये रट्टा लॉजिक करोगे कि मुझे रट्टा लूम है
रटने में नहीं आएगा बेटा, रोटोरिक्स से ही बनेगा। रोटोरिक्स से आप बनाना इसको। अब जैसे देखो, अगर बीटा फॉर्म बनानी है आपको, OH क्या कर दोगे, यहाँ H वहाँ कर दोगे, सिमिलरली क्या करोगे, लोकेशन H ऊपर OH नीचे, क्लियर। तो सारी चीजें ट्रक से बता रहा हूँ मैं ना, तो आप करना। तो टू टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं ग्लूकोज के, होमवर्क के अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं, देखिए बेटा, ग्लूकोज के बाद आपका सेकेंड कंपाउंड है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज बोलोगे कि सर रटना पड़ेगा, मेरा आंसर है नो। फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6, सेम फॉर्मूला होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, फ्रक्टोज ग्लूकोज का फॉर्मूला सेम है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का। ग्लूकोज इज एल्डो हेक्सो जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज इज कीटो हेक्सो जिसमें कीटोन ग्रुप होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस, ग्लूकोज में टॉप पे होता है CHO, जबकि फ्रक्टोज में होता है सेकेंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं कीटो हेक्सोज। कीटो मतलब कीटोन वाला ग्रुप, हेक्सोज मतलब ऐसी शुगर विच कैरी 6 कार्बन। एंड वन मोर पॉइंट, इट इज लेवल रोटेटरी कंपाउंड, इसलिए हम फ्रक्टोज को लिखते हैं D-फ्रक्टोज। क्लियर है? ग्लूकोज में क्या लिखते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बट ये क्या होता है आपका लेवल रोटेटरी, तो हम क्या लिखते हैं, D-फ्रक्टोज। अब देखिए फ्रक्टोज का फॉर्मूला बनाए कैसे, बेकार में रट्टा लॉजिक करनी पड़ेगी, तो रटने से बचाओ। देखिए ये ग्लूकोज का फॉर्मूला आपके सामने, ये ग्लूकोज है, फ्रक्टोज कैसे बनाओगे मैं पूरा डिटेल बताएगा। ये आपने लिया ग्लूकोज, करना क्या है आपको, जो सेकेंड नंबर का कार्बन है, फिर देखो चेंज हो जाएगा भैया, जो सेकेंड नंबर का कार्बन है इससे आपको हाइड्रोजन हटाना है, ये हटाया मैंने हाइड्रोजन, ओके। सेकेंड नंबर के कार्बन से आपको हटाना है हाइड्रोजन, ये देख लो ध्यान से एक बार। अब हाइड्रोजन हटाने के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है इसको रिड्यूस, और यहां से हटाना है एक और हाइड्रोजन, ये। तो सेकेंड नंबर के कार्बन से करना है आपको जो करना है, ये यहां से आपने दोनों हाइड्रोजन हटा दिया, दोनों 1, 2, 3 ये लगा दिया आपने डबल बॉन्ड। अब टू हाइड्रोजन से क्या करना है आपको, ये जो एल्डिहाइड है इसको करना है रिड्यूस। तो कॉन्सेप्ट ये है, सेकेंड नंबर के एल्कोहल को करना है ऑक्सीडाइज, और फर्स्ट नंबर के एल्डिहाइड को करना है आपको रिड्यूस। तो क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड हटेगा, यहां लगेगा एच, और एक लग जाएगा एच यहां, ये बन गया आपका फर्स्ट। मैं काट रहा हूं, दिस वन इज कॉल्ड फ्रक्टोज। सही क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, सिंपल ही है, कोई ज्यादा हाईफाई नहीं है मेरे हिसाब से, तो कर सकते हो इजीली, है ना, बड़े आगे इसमें। तो ये फ्रक्टोज है, गॉट इट। तो फ्रक्टोज में क्या करा मैंने, CHO को रिड्यूस कर दिया और इसको कर दिया ऑक्सीडाइज। अब इसकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की, साइक्लिक देखो, साइक्लिक फॉर्म, इसमें क्या होता है, इसमें जो सेकेंड वाला कार्बन है ये सेकेंड नंबर का, ये वाला कार्बन मेरे भी देता हूं सेकेंड, और सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ वाला जो कार्बन है दे शो साइक्लाइजेशन, ये साइक्लाइजेशन शो करते हैं। कैसे करते हैं, अगेन कॉन्सेप्ट वही है, OH का करना है ऑक्सीडेशन, इसका करना है रिडक्शन। मैं यही समझा रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। तो यहां से हटता है डबल बॉन्ड, और यहां से हटता है H, और H लगता है यहां 1, 2, 3, और यहां से स्टार्ट होकर ये वापस वैसा वैसा ही है, ये क्लियर है। एक बार और करके दिखा रहा हूं, देख रहे हैं, बैठा रहा हूं उसका, ये बात और समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स आएंगे आपके एग्जाम में पूछेगा। देखिए ये ऐसा था और ये ऐसा था, तो यहां से झटा के क्या करना है, इसको रिड्यूस, और यहां से हटा देना है एच को, और यहां से ये साइक्लिक रिंग फॉर्म कर देना। अब देखो जो फ्रक्टोज की रिंग होती है, फ्रक्टोज रिंग कैरी 5 मेंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। जो साइक्लिक फॉर्म है फ्रक्टोज की, वो रिसेंबल करती है फ्यूरेन को,
ये फ्यूरेन का स्ट्रक्चर है, ये दैट इज फ्यूरेन, ये फ्यूरेन। तो आपसे पूछेगा फ्रक्टोज के रिंग कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिसेंबल करती है, तो आपको बोलना है फ्यूरेन को रिसेंबल करती है, इसलिए फ्रक्टोज की रिंग को हम बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज या फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। सिंपल वर्ड में बोले जो फ्रक्टोज होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, सही है। तो इस तरीके से करना है। अब अगेन होवास्ट आता है सामने, और होवास्ट क्या करेगा, होवास्ट देगा अपनी साइक्लिक फॉर्म। अब होवास्ट का साइक्लिक फॉर्म कैसे बनाओगे कैसे नहीं करोगे वो मैं आपको समझाता हूँ। होवास्ट का साइक्लिक फॉर्म वो देखिए ध्यान से, देखिए सिमिलरली आपके जो फ्रक्टोज है उससे आपके होवास्ट ने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स दी। अब देखिए आप साइक्लिक स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करोगे, ये मैंने साइक्लाइजेशन से कहा आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में सेकेंड नंबर के कार्बन को आपको क्या करना था, मैंने समझाया था रिड्यूस, और 2H आपने यहाँ लगा दिए। अब साइक्लाइजेशन में क्या करना है आपको, ये जो सेकेंड नंबर का कार्बन है वो फिफ्थ नंबर के कार्बन से अटैच होगा। एक बार और देख लो आप, दोबारा समझ लो, चक्कर आएंगे उतना भी दिक्कतें चालू रहेंगी। ये फ्रक्टोज है आपका, साइक्लाइजेशन किसका होना है सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन और फिफ्थ नंबर के कार्बन का। यहां से देखिए तो यहां से हटाना है डबल बॉन्ड, यहां से हटाना है एच, एच को लगाना है यहां, और यहां से इसको अटैच करना है इस ओके सर। अब इस रिंग में देखो आप कितने मेंबर हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये 5 मेंबर रिंग है, और ये 5 मेंबर रिंग रिसेंबल करती है किसको, फ्यूरेन को, बता दिया मैंने आपको। दूसरी चीज, अगर साइक्लाइजेशन होने के बाद OH अगर आपका राइट हैंड साइड है, और ये पूरा ग्रुप CH2OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो बिल्कुल वैसा को वैसा ही है। अगर OH राइट हैंड साइड है और CH2OH लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम बोलते हैं अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, और अपोजिट है CH2OH उस तरफ है OH इस तरफ है, हम बोलते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये चैप्टर का लास्ट वो फेज है जो टफ है, इसके बाद चैप्टर बिल्कुल ईजी है, मतलब रेक्टोलॉजी है, मतलब सिंपल प्रोटीन्स वगैरह, सबसे जो दमदार फेज इस चैप्टर का आज एंड हो जाएगा आपका, तो सबसे दमदार चीज़ें हैं इसमें। अब बात वही है, अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला आता है बनाना और आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली कर सकते हो, और होगा वो ट्रिक से ही, बिना ट्रिक के स्ट्रक्चर्स नहीं बनती हैं। मैंने अच्छे अच्छे देख लिए रेक्टोलॉजी करने आ गए, ये रटने में नहीं आती हैं, क्योंकि इसमें आप क्या रटोगे, इसमें इसमें सब कुछ ट्रिक है। तो फिर देख लो आप, ये अल्फा डी ये बीटा डी, अब आपको इसका बनाना है होवास्ट फॉर्म। तो देखो अब ध्यान से होवास्ट फॉर्म कैसे बनाओगे इसकी, देखो ध्यान से, ये मैंने रिंग बनाई ये, और टॉप पे ले लिया मैंने ऑक्सीजन, और ये कार्बन नंबर, अब देखना ध्यान से, टॉप पे ले लिया मैंने ऑक्सीजन, ये कार्बन आपका यहां से स्टार्ट कर ले, ये 1, 2, 3 और 4, तो देखो मैं इसको ऐसे नाम दे रहा हूँ 1, ये अपने मन से वैसे है नहीं वो, है ना, तो रिंग के अकॉर्डिंग में नाम दे रहा हूं 1, 2, 3 और ये 4। अब देखो ऑक्सीजन है, यहां कौन है, एच और सी एच टू ओ एच, तो नंबर 1 पे आपने ऐसे शो करा एच और सी एच टू ओ एच, नंबर 2 पे कौन है, एच और ओ एच, क्या कर दोगे, एच ओ एच, नंबर 3 पर कौन है, ओ एच एन एच, सिक्वेंस बदलोगे इसका OH and H, क्लियर, और नंबर 4 पर ये 4 CH2OH and OH, क्या कर दोगे आप CH2OH and OH, और इसके बेस पर डिसाइड होगा। अगर आपने एक में ऊपर रखा है और एक में नीचे रखा है, और अगर ये आप इसको बोलते हो आप ये अल्फा फॉर्म है, तो बीटा में क्या करना पड़ेगा, ये नीचे और वो ऊपर, तो ये है आपका होवास्ट फॉर्म किसका, फ्रक्टोज का। तो ये ध्यान रखना है, और अगर देखो ऊपर नीचे जो है वो जो मैंने करवाया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप स्ट्रक्चर सही बना देते हो तो ये सैल्यूट वाली बात है, क्योंकि एग्जामिनर खुश हो जाता है अगर इसकी स्ट्रक्चर साफ सही कर दो, क्योंकि बनती नहीं है इतनी आसानी से, तो प्रैक्टिस करोगे तो ही क्लियर होंगी ये चीज़ें आपको, है ना। तो होवास्ट फॉर्म पूछेगा, और इसके साथ आपके चैप्टर का फर्स्ट फेज भी कंप्लीटेड। ओके, नाउ वी एंटर इन टॉपिक, द टॉपिक इज प्रोटीन्स।
प्रोटीन्स आपके सिलेबस में, प्रोटीन्स क्या है कैसे हैं वो देखते हैं हम। देखिए बेटा आपका जो टॉपिक प्रोटीन है, प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन में डेफिनेशन से काम किया। जैसे प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं प्रोटीन। अब ये मत लिख देना वहाँ बायो वाली डेफिनेशन, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, दे हेल्प्स इन बॉडी ग्रोथ एंड ऑल, ये नहीं है आपको लिखना है। आपको लिखना है प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, नाम देखिए एमाइनो एसिड्स, एमाइनो मतलब अमाइन ग्रुप, एसिड्स मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसा कोई भी बायोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच NH2 एंड COOH ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एमिनो एसिड्स। और एमिनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल ये है, कार्बन आर COOH NH2H, क्लियर। ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप की स्ट्रक्चर के बेस पर आपके एमाइनो एसिड्स की कैटेगरी डिसाइड होती है। अब ये जो R है ये एरोमेटिक हो सकता है, R नॉन एरोमेटिक हो सकता है। अगर CH3 होगा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ अमाइनो एसिड्स, C2H5 होगा डिफरेंट कैटेगरी है, अगर बेंजीन रिंग लग गया डिफरेंट कैटेगरी है। तो इतना सिलेबस में आपके एनी डेप्थ में है ना। तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, RCH COOH NH2। सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर ग्लाइसिन, ये पूछा है बोर्ड में, ये कौन सा अमाइनो एसिड स्वीट होता है टेस्ट में, तो है ग्लाइसिन। अब बोलो कैसे याद करें, कोई सॉल्यूशन नहीं है, डक्टोलॉजी लगानी पड़ेगी। ग्लाइसिन, अब दो नंबर या थ्री मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, नेम दैट, नेम दिस, नेम व्हाट एंड विच केमिकल इज यूज्ड इन दिस, तो रेक्टोलॉजी वाले हैं। जैसे यहाँ देखिए आपसे पूछ, अगर पूछ ले ऐसा एमिनो एसिड्स बताइए जो स्वीट है, तो यहाँ क्या ट्रैक लगेगी, कुछ नहीं है, वो तो याद है तो बेटर है, नहीं तो फिर करना पड़ेगा उसको, नहीं जा पा रहे ना। तो स्वीट होता है टेस्ट में ग्लाइसिन, चीज में होता है आपका एमिनो एसिड्स टायरोसिन, और टू मोर है एलिनिन एंड वैलिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं वो फोर हैं जो मैंने लिखे हुए हैं आपके इस बायोमोलिक्यूल में, सबसे ज्यादा इन्हीं से क्वेश्चंस पूछते हैं। एक और चीज, जो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स की पॉलीमेरिक चेन, मतलब बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक लॉन्ग चेन के फॉर्म में अटैच होकर प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं, क्लियर। एंड जो अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है एक दूसरे से, अटैच करता है, उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। मैं सब बताऊंगा तो डिटेल्स की, पेप्टाइड बॉन्ड इसकी बहुत डेफिनेशन पूछता है, सबसे ज्यादा डेफिनेशन इस चैप्टर से पेप्टाइड बॉन्ड की पूछता है प्रोटीन से। व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स आर द लिंकेज बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स, कैसे जोड़ता है वो अभी क्लियर करूंगा। एक और चीज, टू टाइप के अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी क्रिएट कर सकती है, मैं हटाता हूँ इसको, आपकी बॉडी टू टाइप के अमाइनो एसिड्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। फर्स्ट होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स, और एक होते हैं नॉन एसेंशियल, सही। अब नाम से लगेगा आपको एसेंशियल, तो कई बच्चे ऐसे लिखते हैं जो तुक्के मारते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट रिक्वायर्ड बाय बॉडी, तो ये नहीं है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन सुनो क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स देखिए, अमीनो एसिड्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड बाय बॉडी, ऐसे अमीनो एसिड्स जिसको बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकती है, मतलब ऐसे अमीनो एसिड्स जो बॉडी में आपके नहीं बनते हैं और क्या करना पड़ता है आपको, इन्हें बाहर से ऑप्टेन करना पड़ता है, दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स विच आर प्रिपेयर इन बॉडी या बाय बॉडी, सही है, जो बॉडी प्रिपेयर कर सकती है भाई, जो जस्ट जिन अमीनो एसिड्स को बॉडी ने प्रिपेयर कर लिया उसकी आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बॉडी बना रही है ना। जरूरत किसकी है, जो बॉडी बना नहीं सकती है। तो नॉन एसेंशियल द अमीनो एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय बॉडी आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसके टू टू एग्जाम्पल्स आपको रट्टे मारने पड़ेंगे,
मुझे तो याद नहीं होते मेरे को, सीधी सी बात बोलूँ मैं, धक्टोलॉजी मेरे से भी नहीं होती, मेरी प्रॉब्लम ही है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है ग्लाइसिन और एलिनिन, ये आपके एसेंशियल में है, और नॉन एसेंशियल में, नॉन एसेंशियल में आपके नॉन एसेंशियल में ये इसका एग्जाम्पल है बेटा, ये मतलब मुझे याद होती नहीं है। और एसेंशियल के एग्जाम्पल है आपके वैलिन और ल्यूसिन, ये एसेंशियल के एग्जाम्पल है वैलिन और ल्यूसिन, मुझे तो याद नहीं होते नाम, तो उसे इसी बात है मैं अपनी बोलूँगा, मैं मुझसे कोई पूछ ले सडनली कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एसेंशियल प्रोटीन, तो वो कहीं भी याद रहता है तो बोल दूँ। वैसे अभी तक तो याद हुआ नहीं मुझे 7-8 साल में, क्यों, क्योंकि रेक्टोलॉजी नहीं होती है। अब ये आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो रेक्टोलॉजी करनी पड़ेगी, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका, रियलिटी यही है। तो टू नेम याद रख लीजिए, डेफिनेशन पूछेगा एसेंशियल नॉन एसेंशियल की, 1 मार्क में डेफिनेशन पूछेगा, 1 मार्क में आपको एग्जाम्पल पूछेगा। तो 2-2 कोई भी एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए, 4-5 मेरे नोट्स में आपको लिखे हुए हैं, सही है। एक और चीज, एक टर्म है आपकी छोटी सी यहाँ, ज्यूटर आयन। अब ज्यूटर आयन क्या, देखिए ये आपकी अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, ये लिखा आपने COOH और आपने लिखा ये NH को, ओके, ये अल्काइल ग्रुप और ये आपका H, गॉट इट। ये जो होता है NH2, ये होता है इसका बेसिक पार्ट, लॉन पेयर है, और ये जो COOH है, ये होता है इसका एसिडिक पार्ट। व्हेन द अमाइनो एसिड ऑफ प्रोटीन पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, जब अमीनो एसिड्स केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो बेस क्या करता है, इसके एसिड के H+ आयन को कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने से ये स्ट्रक्चर क्रिएट होती है, ये अगर याद आ रहा होगा आपको तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिल में भी ये टर्म पड़ा था, हमने ज्यूटर आयन। तो आप क्या बोलोगे, इन अमाइनो एसिड्स बोथ एसिडिक एंड बेसिक पार्ट्स आर प्रेजेंट, एसिडिक पार्ट ट्रांसफर द प्रोटोन टू बेसिक पार्ट NH2, एंड ड्यू टू विच द बाइपोलर आयन फॉर्म, दैट बाइपोलर आयन इज कॉल्ड ज्यूटर आयन, एंड ज्यूटर आयन प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, सही है। तो ये चीज़ें आज के लिए टॉपिक को पढ़िए, बाकी नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, और आगे इसको लेकर जाएंगे। नेक्स्ट टर्न 99% वी विल कंप्लीट द लेसन, आपके सिलेबस में डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, विटामिन्स, एंजाइम्स, ये डिलीट हो गया है इस सेशन, सही है। तो ये टॉपिक आपको नहीं करने हैं, थैंक यू।